अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है नेचुरल स्टार नानी की न्यू अपकमिंग मूवी दशहरा के ट्रेलर पर। जी हाँ गाइस, हमें नानी की न्यू अपकमिंग मूवी दशहरा का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, और वो भी हिंदी डब वर्जन में। इस मूवी में नानी के साथ मेन लीड में कीर्ति सुरेश हैं, और जो इनको इससे पहले नानी के साथ एक दो मूवीज़ में देखा गया है, और उनकी एक्टिंग को भी उनके साथ केमिस्ट्री उनकी को पसंद किया गया है। तो एक और मूवी में वो हमें नज़र आने वाले हैं जिसका नाम है दशहरा। और इस मूवी के ट्रेलर को देखकर सब इसको पुष्पा से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ट्रेलर देखा नहीं है। तो जल्दी से ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद ये इस बात पे आएंगे कि ये पुष्पा की कॉपी है या इसकी अपनी कोई अलग वो है, मतलब अलग स्टोरी है। तो जल्दी से ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद मी गाइस। रॉयल ग्रीन तो गाइस, ये हमारा रिएक्शन था दशहरा के ट्रेलर पर। 30 मार्च 2023 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है ये मूवी। यार एक बार लुक देखकर आपको वो पुष्पा वाला फील आएगा, लेकिन उससे ट्रेलर बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्टोरी लाइन उससे डिफरेंट है, एक्शन मूवी है। थोड़ा सा एक तो फनी सीन्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि नेचुरल स्टार नानी की मूवी है तो उसमें कॉम्बिनेशन हर चीज़ का मिक्स होता है। तो उनकी एक्टिंग को नेचुरली कहा जाता है, किसी से कॉपी या कट या कॉपी पेस्ट नहीं होती। तो थोड़ा सा लुक देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पुष्पा से कॉपी किया गया है, लेकिन मूवी उससे डिफरेंट है। एक गांव की स्टोरी बनाई गई है और फुली एक्शन है मूवी, जो कि 30 मार्च को रिलीज़ हो रही है। और नानी की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, इमोशनल भी है, कुछ सीन्स इसमें इमोशनल होने वाले हैं। तो ओवरऑल तो यही लग रहा है कि मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है जब, और जल्दी रिलीज़ होने वाली है। आई थिंक 9 डे या 10 डे अगो रह गए हैं इसमें का आने में मूवी। तो
मुझे तो वीडियो पसंद आई है। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।